स्टार्ट। हाँ ओके ओके। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको डिक्टेशन दे रहा हूँ। यस स्टार्ट। माननीय सभापति जी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय सदस्यों ने अविश्वास प्राप्त कर अपने विचार बड़ी भावना के साथ और अपने दिल की गहराई के साथ व्यक्त किए हैं। आज हमारे देश की एकता को खतरा पैदा हो गया है। देश में ऐसी शक्तियां जन्म ले रही हैं जो देश को टुकड़ों में बांट देना चाहती है। इस प्रकार की शक्तियों का मुकाबला किस प्रकार से किया जाए, इस पर हमारे विरोधी दल के सदस्यों को विचार करना चाहिए। लेकिन देखने में यह आता है कि विरोधी दल देश की मूल समस्याओं से मुंह मोड़कर दूसरी साधारण बातों की तरफ ध्यान देने लगता है। मैं विरोधी दल के नेताओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे अवसर पर जब हम विचार करना चाहते हैं कि वे कौन से कारण हैं जिनके कारण हमारे देश में क्षेत्रीय सवालों को लेकर, भाषा के प्रश्नों को लेकर हमारे नागरिक आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसे प्रश्नों पर विचार करते समय हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे हमारे देश की एकता को खतरा पैदा हो जाए। आज हम सीमाओं पर क्या देख रहे हैं? एक तरफ तो पाकिस्तान आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहा है और दूसरी तरफ चीन हमारी सीमाओं पर विवाद खड़ा कर रहा है। आज हम सभी इस बात को महसूस करते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं और क्षेत्रीय नारों को देने वाली पार्टियां बढ़ रही हैं। इनका मुकाबला हमें राजनीतिक स्तर पर करना चाहिए। मैं यह बात भी जोर देकर कहना चाहता हूँ कि यह बात सही है कि हमारे देश के अंदर जो परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं, जो प्रश्न खड़े हुए हैं, वे सारे प्रश्न ऐसे हैं जिसमें दो राय नहीं हो सकती है। आज हमारे देश के अंदर क्षेत्रीय असंतुलन है। कुछ ऐसे प्रदेश हैं, जनता के कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनकी इन पिछले 20 वर्षों के अंदर आर्थिक प्रगति दूसरों के मुकाबले कम हुई है और इसको लेकर आज उनके अंदर एक असंतोष की भावना पैदा हो रही है। आज ऐसे लोग हैं जिनका आर्थिक सामाजिक रीति से इस देश के अंदर शोषण हो रहा है और वे यह महसूस करते हैं कि उनका राजनीतिक शोषण भी हो रहा है। यही कारण है कि वे सभी लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। हमें उन्हें सही दिशा में लाना है। इसके लिए सरकार को भी प्रयत्न करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि केवल उपदेश देने से काम नहीं चलता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे सवालों पर सारे राजनीतिक दल आपस में बैठकर गंभीरतापूर्वक विचार करें। कम से कम देश हित के सवालों पर हमें एक होकर काम करना चाहिए। इन अल्फाज के साथ मैं तमाम विरोधी दलों से प्रार्थना करूंगा कि जो अविश्वास प्रस्ताव वे सदन में लाए हैं उसको वापस ले लें। हमारा देश एक महान राष्ट्र है। हमें उसकी गरिमा के अनुसार कार्य करना चाहिए, तभी हम दुनिया में अपने देश की गरिमा को उजागर कर सकते हैं।
इसलिए हमें सभी देशवासियों को चाहिए कि लगन से कार्य करें।